आईपीएल 2023 के 22वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया है। 16 अप्रैल यानी कि रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 186 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने 58 रन बनाए, और दूसरे रहे सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने 43 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए शानदार पारियां खेली। देखा जाए तो ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की पारी कोलकाता के वेंकटेश अय्यर की इनिंग्स पर भारी पड़ गई। वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार शतक लगाया, जिसमें उन्होंने टोटल 104 रन बनाए थे। मुंबई की 4 मैचों में यह लगातार दूसरी जीत है। वहीं कोलकाता की टीम ने कुल 5 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 मैच गंवाने पड़े हैं। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस 8वें और कोलकाता की टीम 5वें नंबर पर है। 186 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी शानदार रही। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन ने 4.5 ओवर में 65 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान किशन काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, वहीं रोहित शर्मा ने भी कुछ तगड़े शॉट्स लगाए। कोलकाता के इंपैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा ने रोहित शर्मा को कैच आउट कराकर इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। रोहित ने 13 गेंद पर 20 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। रोहित के आउट होने की कुछ देर बाद ईशान किशन ने अपनी 50 पूरी कर ली। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड होने वाले ईशान किशन ने 5 चौके और 5 छक्के लगाते हुए 25 गेंदों में 58 रन बनाए थे। ईशान के आउट होने के समय मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 87 रन था। यहां से तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिससे मुकाबला मुंबई की ओर झुक गया। तिलक वर्मा ने 25 गेंदों पर 30 रन बनाया, जिसमें 3 चौका और 1 छक्का शामिल रहा। वहीं सूर्यकुमार यादव ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। टिम डेविड 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता की ओर से सुयश शर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। इस मैच में सूर्यकुमार यादव की वापसी हो चुकी है। यह शानदार पारी उनके बैट से निकली है, जिसको देखकर सभी दर्शक बहुत खुश थे, और खासकर उनके सूर्यकुमार यादव के फैंस सबसे ज्यादा खुश दिख रहे थे। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा और आप किस टीम के सपोर्टर हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।